हमने डायोड के बारे में समझा अभी, अब हम डायोड को चेक कर लेते हैं, डायोड को पहचान लेते हैं कि डायोड कैसे होते हैं दिखने में। तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको ZD, तो ये एक जीनर डायोड है। और जीनर डायोड में आप देखोगे तो यहाँ पे एक लाइनिंग दिख रही है आपको, ये माइनस का साइन है, यानी इधर का जो टर्मिनल है उसका वो माइनस है और इधर वाला प्लस है। ऊपर देखो प्लस बनाया हुआ भी है। तो एक लाइनिंग्स के हिसाब से हमें याद रखना है डायोड को, जब भी निकाले तो ये साइन देख के निकाले और फिर लगाते टाइम उसको साइन मैच करके फिर लगाए। तो यहाँ पे ये जीनर डायोड लगा हुआ है, तो ये डायोड को हम चेक करते हैं। तो जनरली मल्टीमीटर के अंदर आप अगर येलो वाला मल्टीमीटर आप यूज़ कर रहे हो सादा वाला, तो उसके अंदर आप बज़र की रेंज पे भी डायोड को चेक कर सकते हो, यानी कि बज़र और डायोड की रेंज उसमें कॉमन आती है। लेकिन यहाँ पे ये वाले मल्टीमीटर में दोनों रेंज अलग अलग हैं, तो आप मतलब डायोड की रेंज पे भी, हालांकि इसमें भी चेक कर सकते हो बज़र की रेंज पे, लेकिन इसमें स्पेशली डायोड की रेंज दी हुई है। तो हम डायोड की रेंज पे इसको चेक करेंगे। और इसका चेकिंग कैसे होगा ये मैं आपको समझा देता हूँ कि डायोड को जब फॉरवर्ड बायस दिया जाएगा तो कोई वैल्यू आपको शो करेगा, और रिवर्स बायस में या तो वो एकदम हाई वैल्यू शो करेगा या इन्फिनिटी शो करेगा, यानी कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं डायोड को। फॉरवर्ड बायस में ये कोई एक वैल्यू शो करेगा, वो वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होगी, और रिवर्स बायस में ये हाई वैल्यू शो कर सकता है। तो हम इसको चेक करते हैं पहले। तो यहाँ पे ये वाला मेरा रेड प्रॉब है, ये वाला ब्लैक प्रॉब है। तो इसको मैं रेड प्रॉब को प्लस की तरफ रखता हूँ, ब्लैक प्रॉब को मैं रखता हूँ ग्राउंड की तरफ, यानी ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस। तो इसको फॉरवर्ड बायस में हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 419, यानी 419 हमें वैल्यू दिखा रहा है। अब हम इस प्रॉब को उल्टा कर देते हैं, यानी जिधर से हमने प्लस दिया था उधर से माइनस दे रहे, माइनस दिया था उधर से प्लस दे रहे। तो यहाँ पे ये 2.206 यानी एकदम हैवी वैल्यू शो कर रहा है। तो डायोड में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि ये फॉरवर्ड बायस में आपको कम वैल्यू शो करेगा और रिवर्स बायस में हाई वैल्यू शो करेगा या इन्फिनिटी शो करेगा, यानी कि कोई वैल्यू शो करेगा नहीं। देखिए उसके नीचे बिल्कुल एक और एक डायोड लगा हुआ है, इस तरह का डायोड भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ये जीनर डायोड है वैसा ही ये डायोड है, उसका आप देखोगे तो नेगेटिव ऊपर की साइड है और ये वाला पॉजिटिव है। तो नीचे मैं पॉजिटिव रखता हूँ और नेगेटिव से मैं इसको चेक करता हूँ, तो देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है इसकी। तो इसको चेक किया तो इसका भी 419 दिख रहा है। अभी हम इसका प्रॉप पलटते हैं और फिर देखते हैं। तो हमने प्रॉप को उल्टा दिया, ये लाल वाला था वो मैं ऊपर ले लिया और ब्लैक वाला ये वाला इसको नीचे लगा देता हूँ। और अब हम वैल्यू चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये भी कुछ 2000 के ऊपर का वैल्यू शो कर रहा है। मतलब ये जो अभी कनेक्शन हमने किया हुआ है ये रिवर्स बायस कनेक्शन है, यानी कि नेगेटिव पे मैंने पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव पे नेगेटिव दिया है, यानी ऐसे रिवर्स बायस कनेक्शन के अंदर हमें हाई वैल्यू शो करेगा। यहाँ पे भी तीन डायोड दिख रहे हैं मुझे, हालांकि इसका साइन प्रॉपर नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग पता कर लेते हैं कि रिवर्स बायस में है या फॉरवर्ड बायस में है। तो इसको हमने पहले चेक किया ये वैल्यू पे, तो ये 749 हमें वैल्यू दिखा रहा है। अब हम प्रॉब को पलटते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे ये वैल्यू दिख रहा है 1.733, यानी ज़्यादा वैल्यू शो कर रहा है। अभी यहाँ से हम देखते हैं, ये भी सेम, ये भी सेम, तो इस तरह से ये एकदम हैवी वैल्यू शो कर रहा है। इधर से हम चेक करें तो ये 0.433, यानी कि ये इसका फॉरवर्ड बायस हुआ। तो फॉरवर्ड बायस कैसे हुआ, ये लाल वाला है ये मैंने यहाँ पे टच किया है यहाँ पे, तो ये 0.433 दिखा रहा है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है, उधर की साइड में वैल्यू ज़्यादा आ रही थी। तो मतलब जहाँ पे अभी मैंने टच किया हुआ है वो लाल के साथ यानी प्लस के साथ प्लस किया है और माइनस के साथ माइनस किया है, तो ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव, मैंने नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, यानी फॉरवर्ड बायस में अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ।
तो यानी कि ये इधर वाला पॉजिटिव है और ये वाला है वो नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम डायोड को चेक कर सकते हैं। हम और भी डायोड चेक करते हैं, देखते हैं और कैसे कैसे डायोड दिखते हैं। देखो यहाँ पे भी एक डायोड दिख रहा है, इस तरह का भी डायोड हो सकता है, तो इसको हमें चेक करना है। तो हालांकि ये मेरा रेड प्रोब है, मैं यहाँ लाइन पे रख रहा हूँ, यानी रिवर्स बायस हो रहा है ये, और ये ब्लैक वाला मैं पॉजिटिव की तरफ रख रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ वैल्यू कितना दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑयल दिख रहा है यानी ओवरलोड, यानी कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ऑयल का मतलब होता है ओवरलोड। और फिर मैं इसको ऐसे चेक करता हूँ तो 0.26 यानी ये मेरा फॉरवर्ड बायस हो गया। ये मैंने माइनस टच किया था माइनस के साथ, और ये वाला पॉजिटिव मैंने टच किया है पॉजिटिव के साथ, तो ये वैल्यू आ गया 0.206, यानी कि ये मेरा फॉरवर्ड बायस हुआ, यानी कि ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है। तो ये डायोड के अंदर हमेशा याद रखना है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता होना चाहिए, और अगर शाइनिंग ऊपर नहीं दिख रही है तो भी हम इसको पता कर सकते हैं कि ये कैसे है। और कई कई बार अगर डायोड जैसे कोई रिवर्स बायस में लगा हुआ है तो उसको भी हम पहचान सकते हैं। जैसे ये वाला डायोड है, ये जीनर डायोड है, तो ये डेफिनेटली रिवर्स बायस में लगा होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको बजर की रेंज में जाना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ से बजर की रेंज कर देता हूँ, पहले ये आ गई बजर की रेंज। तो डायोड अगर रिवर्स बायस में है तो इसका मतलब कि उसका रेड प्रोब जो है यानी कि पॉजिटिव जो है उसका, वो हमेशा ग्राउंड के साथ बजर देगा। दोस्तों ये जितने भी बॉर्डर होती है सर्किट के अंदर, ये सारी की सारी ग्राउंड होती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये वाली है और जैसे ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये सारी की सारी बॉर्डर हमेशा ग्राउंड होती है। आप कहीं भी रख के चेक कर सकते हो इसको। अगर इसको यहाँ पे आप चेक करोगे तो भी ये बजर देगा, यहाँ पे रख के करोगे तो भी करेगा, ये पूरे का पूरा ग्राउंड है। तो हम देखते हैं कि इसका जो पॉजिटिव है वो ग्राउंड के साथ लगा है या नहीं। ये इसका पॉजिटिव है तो ये ग्राउंड के साथ लगा है, यानी ये डेफिनेटली ये रिवर्स बायस में लगा हुआ है। ये वाला इसका नहीं देगा बीप, यानी कि ये ग्राउंड के साथ बजर नहीं बजेगा, पॉजिटिव बज रहा है, यानी ये रिवर्स बायस के अंदर है। हम लोग ने जैसे सर्किट के अंदर देखा था कि उसको जीनर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में लगाया जाता है वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा डायोड। इसके अलावा हम कुछ दूसरी पीसीबी में भी डायोड देखते हैं। यहाँ पे है डायोड, दो डायोड है, तो देखिए ये वाला नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। ये शॉर्ट दिखा रहा है, यानी ये पीसीबी में शॉर्टिंग है, ये भी शॉर्ट दिखा रहा है, यानी ये पीसीबी के अंदर शॉर्टिंग है। अगर डायोड शॉर्ट दिखा रहा है तो वो ख़राब है डेफिनेटली, या फिर कहीं और शॉर्टिंग है जिसकी वजह से वहाँ पे शॉर्टिंग दिख रही है। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं आगे की शॉर्टिंग होती है वो भी आपको दिख सकती है, तो इसकी वजह से ही वो डायोड दोनों शॉर्ट दिख रहे थे। और यहाँ तो कोई नहीं है, ये साइड पर हम देखें तो यहाँ पे भी कोई डायोड नहीं दिख रहा है। दूसरी पीसीबी लेते हम लोग। इसके अंदर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए ये दो डायोड है। इस तरह के छोटे डायोड भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये माइनस की तरफ मैंने माइनस रखा, प्लस की तरफ प्लस रखा, वैल्यू चेंज पे कर लेते हैं हम डायोड की। ये हो गया डायोड की रेंज में, तो यहाँ पे 1.8 समथिंग दिख रहा है। अब हम प्रॉब को चेंज करते हैं, जिधर नेगेटिव दिया था उधर हम पॉजिटिव देंगे, फिर देखेंगे। तो यहाँ 0.64 0.7 तकरीबन आ रहा है, यानी ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस।
ये मैंने दिया पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ नेगेटिव, ये जहाँ पे लाइन है उधर ही मैंने नेगेटिव किया है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, उधर की साइड में वैल्यू ज़्यादा दिख रही थी, तो यहाँ पे ऐसे चेक करते हैं तो ये भी तकरीबन सेम वैल्यू का है, यानी कि इसको हम चेक करते हैं तो 0.723 आ रहा है। अब हम इसको प्रॉप चेंज करते हैं, लाल वाला मैं इधर ले लेता हूँ, ब्लैक वाला इधर ले लेता हूँ, फिर चेक करते हैं हम, अब वैल्यू हमें ज़्यादा दिखनी चाहिए, तो ये सही है, यानी एक तरफ कम वैल्यू दिखाएगा एक तरफ ज़्यादा। इधर देखिए आप 2.329 तकरीबन वैल्यू आ रहा है, यानी ये रिवर्स बायस हो गया। तो इस तरह से हम लोग डायोड को चेक कर सकते हैं। तो तकरीबन हमने डायोड काफ़ी सारे देख लिए, आशा करता हूँ कि आपको डायोड समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत लगती है आपको तो आप डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।